हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सबसे ज्यादा आलोचना झेलने वाली और मुख्य आरोपी बनाई गई एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती फिर से चर्चाओं में आ गई हैं। हाल ही में रिया एक्टर राजीव लक्ष्मण के साथ अनुषा दांडेकर की पार्टी में फोटोज क्लिक कराती हुई नजर आई। रोडीज फेम राजीव ने रिया के साथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खुद शेयर की थी। फोटो के साथ राजीव ने लिखा था माई गर्ल। हालांकि उसके बाद हुआ वही जो होना था, ट्रोल हो गए। ट्रोलिंग ज्यादा हुई तो फिर मौका पाकर राजीव ने फोटो डिलीट कर दी और अपनी सफाई पेश कर डाली। वायरल हो रही तस्वीरों में रिया कैमरे के सामने पोज दे रही हैं और राजीव ने उन्हें गले लगाया हुआ है। इन तस्वीरों के सोशल मीडिया पर आते ही बवाल मच गया। रिया के साथ साथ राजीव को भी ट्रोल किया जाने लगा। इसके बाद राजीव ने फोटोज को डिलीट कर दिया और एक नया पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में राजीव ने लिखा, एक पोस्ट पर शब्दों की मेरी गैर जिम्मेदाराना पसंद के चलते गैर जरूरी परेशानी बढ़ गई है। रिया मेरी बहुत अच्छी और पुरानी दोस्त है और मैं उससे फिर से मिलकर खुश हूँ। मैं उसके अच्छा रहने की दुआ करता हूँ। बता दें, राजीव की पत्नी सुजैन लक्ष्मण ने भी पार्टी की ग्रुप फोटो शेयर की थी, लेकिन वो पोस्ट भी बाद में डिलीट कर दी गई। इस फोटो में शिबानी दांडेकर और फरहान अख्तर भी नजर आ रहे थे। ये फोटो बयां कर रही थी कि रिया अब धीरे धीरे अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट रही हैं। आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले रिया और उनके भाई शौविक अपने लिए नए घर की तलाश करते हुए भी नजर आए थे। वेल, वर्क फ्रंट की बात करें तो रिया को मेरे डैड की मारुति, सोनाली केबल, जलेबी समेत कई फिल्मों में देखा गया। हालांकि ये उनकी बदकिस्मती ही समझिए कि अपने करियर में रिया ने एक भी हिट फिल्म नहीं दी और उसके बाद सुशांत मामले के दौरान बुरी तरह से फंसने के बाद अब उनका करियर और भी ज्यादा दिशाहीन नजर आ रहा है। रिया की इन लेटेस्ट तस्वीरों को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।